हासिल होती है। उसका विलन ये जिस किसी का नकाब पहनता है या खुद जैसे रहता है वो हमेशा दूसरों को हंसाने वाला इंसान होता है जो खुद अंदर से काफी टूट चुका होता है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान बहुत अलग या गुस्से वाला है तो कहीं ना कहीं उसका अतीत उसे ऐसा बनाता है। अब हर ऐसी मूवी में हमें जब उसका अतीत पता चल जाता है तब हम उसे उतनी नफरत नहीं करते जितनी पहले करते थे, और कहीं ना कहीं हमारे मन में वो एक अच्छी इमेज क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मैं हूँ आर्या और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंडिया। हाल ही में आई मिसेस सीरियल किलर जो इस सस्पेंस थ्रिलर जॉनर की थी उसने हमें काफी निराश किया, पर पेंगुइन का ट्रेलर देखकर मुझे पूरा यकीन है कि सस्पेंस मूवीज काफी अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट की जा सकती है। ट्रेलर देखकर ही मूवी की तारीफ करना गलत बात होगी, पर ट्रेलर और टीजर में जितना दिखाया गया है वो काफी आकर्षक लगता है। कीर्ति सुरेश जिन्हें मैंने हाल ही में महानती में देखा है वो पेंगुइन के ट्रेलर में भी काफी जबरदस्त दिख रही है, और इस पूरी फिल्म का डार्क कलर टोन जैसे रखा गया है वो इस फिल्म को अच्छे से डिफाइन करता है। विलन का कॉस्ट्यूम भी बहुत अलग है क्योंकि इस बार चार्ली चैपलिन का इस्तेमाल किया गया है जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। अब आखिर में अच्छी सस्पेंस मूवी में हमें चाहिए होता है एक दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक। म्यूजिक जो इस मूवी के ट्रेलर में काफी बढ़िया लग रहा है, शायद मूवी में भी बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल बैकग्राउंड म्यूजिक का किया गया हो। देखने के बाद मुझे क्या पता चला उसे मैं कुछ सरल शब्दों में आपको बताऊंगा। एक माँ है जिसका बेटा गुम गया है। अब जाहिर है कि माँ तो आखिर माँ होती है, कुछ भी हो जाए पर वो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, और आखिर के कुछ सीन्स में हमें दिखाया जाता है कि वो उसके बहुत करीब पहुंच जाती है। अब सवाल ये है कि क्या उसका बेटा अभी भी जिंदा है, क्या वो उसे बचाने में कामयाब हो पाएगी, और चार्ली चैपलिन के मास्क के अंदर कौन छुपा हुआ है, और सबसे बड़ा सवाल क्या चार्ली चैपलिन हमें डराने में कामयाब हो जाएगा। ये फिल्म Amazon प्राइम वीडियो पर 19 जून 2020 को रिलीज होने वाली है, पर फिल्म मेकर्स ने इसे तमिल और तेलुगु में ही बनाया है। शायद हिंदी दर्शकों को इसे देखने के लिए थोड़ी तकलीफ होगी, पर अगर ये मूवी उम्मीदों पर खड़ी उतरती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा ताकि आप ऐसी अच्छी कहानियों वाली मूवीज देखते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं इस मूवी का रिव्यू आपको दे सकूं।